everyone. I hope you guys are all fine and in the best of your health. Welcome to my YouTube channel and welcome to another new video. आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग अपने डार्क सर्कल्स को और जो आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन आप उन्हें कैसे कंसील आउट कर सकते हैं ताकि आपके जो फाउंडेशन है वो फ्लॉलेस लगे, आपकी फाउंडेशन अंडर आई एरिया से ग्रे ना हो और स्पॉट्स जो हैं वो नजर ना आए। सबसे पहले आप लोगों ने बालों को सिक्योर कर लेना है, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप लोगों ने कोई भी सीरम अप्लाई कर लेना है और प्राइमर अप्लाई करना है और फेस को अच्छी तरीके से आप लोगों ने प्रेप कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यूज़ करना है प्रो कंसीलर इन ऑरेंज कलर करेक्टर। ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर करेक्टर है और ये आपके डार्क सर्कल्स को हाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपने इसकी अमाउंट निकालनी है और अपने डार्क सर्कल्स की इस तरह नीचे अप्लाई कर देनी है, ऐसे जहाँ जहाँ आपके डार्क सर्कल्स हैं उस एरियाज़ को अपने ऑरेंज कलर करेक्टर से बहुत ज़्यादा कंसील आउट करना है। रिंग फिंगर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर को अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर लिया है रिंग फिंगर की हेल्प से और आप लोग देख सकते हैं कि कहीं पर भी मेरी पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स जो हैं अभी नहीं नज़र आ रहे। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे ये ग्रीन कलर का प्रो कंसीलर जो कि यूज़ होता है डार्क स्पॉट्स को कवर अप करने के लिए। मेरे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स तो नहीं है तो मैं थोड़ी सी अमाउंट जो है वो जहाँ जहाँ मेरे डार्क स्पॉट्स होंगे उनको कवर अप करने के लिए यूज़ कर लूँगी। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करके आती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हैं या नहीं। मैंने फेस के ऊपर फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है एज यू गाइस कैन सी और मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक कवर अप हो चुके हैं। अब इनको मज़ीद कंसील आउट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मिस रोज़ का ये वाला कंसीलर। ये बहुत ही ज़बरदस्त कंसीलर है, मेरा पर्सनली फेवरेट है। ये है शेड बेज ट्यूब। मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरा डिस्काउंट कोड भी है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक और कूपन कोड जो है वो दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं ये कंसीलर लूँगी और अपने अंडर आइज़ पे डॉट डॉट करके लगा दूँगी दोनों साइड्स के ऊपर और मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूंगी। आप लोगों ने एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब आपने फाउंडेशन लगानी है तो उसको कंसीलर लगाने से पहले सेट नहीं करना ताकि आपका जो कंसीलर है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। एज यू गाइस कैन सी कि मेरे डार्क सर्कल्स जो हैं वो प्रॉपरली कंसील हो चुके हैं, कहीं से भी ब्लैकिश या ग्रेश फाउंडेशन नहीं हो रही। कलर करेक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसील आउट हो जाएं और आपकी जो फाउंडेशन है वो उस एरिया से ब्लैक या ग्रे ना हो। अब मैं बाकी का मेकअप करके आती हूँ और आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरी फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी डार्क सर्कल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंसील आउट हो चुके हैं, बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहे और फाउंडेशन बिल्कुल भी अंडर आई एरिया से डार्क नहीं हो रही। तो अगर आप लोग ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के डार्क सर्कल्स जो हैं वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे और आप लोगों की फाउंडेशन जो है वो अंडर आई से ग्रे नहीं होगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, आप लोगों ने इसको लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं और अपने दोस्तों के साथ आप लोगों ने ये वीडियो शेयर करनी है। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, Instagram पे और TikTok पे आप लोगों ने मुझे फॉलो करना नहीं भूलना।